दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मोहित भाई क्या लिख रहे हैं आज, तो मैंने सोचा कि आप सभी को बता दिया जाए। बर्ड सेटअप के एक कॉर्नर में बैठा हूँ, जाते हुए सूर्य की किरणें आ रही है, धूप ले रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि सर्दियों का समय है। और इसी बीच दोस्तों कुछ स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ अपने अगले नए वीडियोस के, तो मैंने सोचा क्यों ना आज के इस वीडियो में आप सभी को बताता हूँ कि मैं किस तरह से अपने YouTube के वीडियो शूट करता हूँ, उनके स्क्रिप्ट लिखता हूँ, उनको एडिट करता हूँ और उसके बाद आप सभी के बीच में अपलोड करता हूँ, ताकि आप भी ये जानें कि आखिर ये करने में क्या प्रोसेस है, कैसे ये सब किया जाता है। इसके दो कारण हैं, काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर भाई ये जानना चाहते हैं कि मोहित भाई कितनी मेहनत होती है वीडियोज़ बनाने में, कैसे क्या करते हो हमें भी बताएं, फ्यूचर में हम भी ये करना चाहते हैं, या काफ़ी हमारे यूट्यूबर भाई भी ये जानना चाहते हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहित पारीक और आप देख रहे हैं बर्ड्स विथ मोहित यूट्यूब चैनल, जो कि हमारा नया यूट्यूब चैनल है। जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि पुराने चैनल की तरह ही ये चैनल भी अच्छे से ग्रो करे, आप सभी का प्यार मिलता रहे। दोस्तों आप जानते हैं कि कुछ टाइम पहले मैंने एक नया मोबाइल फ़ोन परचेज किया, जो कि सैमसंग S23 अल्ट्रा था, जो कि मेरे काफ़ी यूजफुल साबित हुआ। कैसे कि वीडियोस की क्वालिटी तो उसमें काफ़ी अच्छी है ही। इसी के साथ ही दोस्तों ये हमारा एक काम और निकालता है कि जो भी मुझे वीडियोस के स्क्रिप्ट लिखने होते हैं, दोस्तों प्रत्येक वीडियो के तो मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता, जैसे ब्रीडिंग प्रोग्रेस का वीडियो है, लेकिन काफ़ी ऐसे वीडियोस होते हैं जिस पर मुझे स्क्रिप्ट लिखने पड़ते हैं। काफ़ी बातें मैं जानता हूँ, काफ़ी बातें जो हमारे सीनियर होते हैं बड़े बड़े सेटअप वाले, उनके द्वारा पूछता हूँ कि भाई क्या आप ये जानते हैं या ऐसा कैसे होता होगा। तो ऐसे करके दोस्तों मिलजुल के हम सभी दोस्त, सभी पक्षी प्रेमी भाई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसके बाद में आप सभी के बीच में हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल के जरिए वीडियो शेयर करता हूं, जिसमें आप सभी की रेगुलर हेल्प करने की कोशिश करता रहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस काफ़ी ज़्यादा पसंद आते होंगे। तो चलिए मैं आप सभी को दिखाता हूं कि किस तरह से मैं स्क्रिप्ट लिखता हूं। आज मैं कमेंट बॉक्स में हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर भाइयों के द्वारा किए गए कमेंट पढ़ रहा था, उसी बीच काफ़ी सारे कमेंट मुझे ऐसे देखने को मिले जिन पर मैंने सोचा कि वीडियो बना ही देना चाहिए। तो कुछ दोस्तों ये टॉपिक्स है जो कि मैं आप सभी को बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ आप देखें कुछ टॉपिक्स मैंने निकाले हैं अपने कमेंट बॉक्स से, जहाँ पर बर्ड विथ मोहित यूट्यूब चैनल के लिए है 2500 रुपए की लागत कर लाखों के नुकसान से बचे, ठीक है। इसी के साथ ही बीकानेर बर्ड इंफॉर्मेशन चैनल के लिए है, बर्ड के बच्चे मरने की वजह शायद आप नहीं जानते होंगे, ऐसे कारण जो कभी सोचे भी नहीं है, ठीक है। इसी के साथ ही तीसरा टॉपिक है बर्ड विथ मोहित चैनल के लिए, फिंच बर्ड की ब्रीडिंग प्रोग्रेस, जो कि मुझे बच्चों की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, तो मैंने सोचा टॉपिक निकाल दिया जाए और आप सभी को ब्रीडिंग प्रोग्रेस बता ही दी जाए। इसी के साथ ही चार नंबर पे है बीकानेर बर्ड इंफॉर्मेशन के लिए, बजरी तोतों की ब्रीडिंग में ये बड़ी गलती आप सभी करते हैं, कौन सी वो बड़ी गलती है जिसकी वजह से आपके बर्ड सेटअप पर अच्छी एवरेज नहीं आती। वहीं कुछ मैंने एक टॉपिक को लेकर कुछ स्क्रिप्ट भी लिखे हैं, जिस तरह से मुझे प्रेजेंट करना है, जो बातें मुझे आप सभी को बतानी है, जो टॉपिक्स के बारे में आप सभी के बीच बात करने वाला हूं, तो वही कुछ बातें मैंने लिखी है। दोस्तों यूट्यूब चैनल बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप 10 से 15 मिनट में यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत का काम है कि अच्छी क्वालिटी के वीडियो बनाना, अच्छी वॉइस क्वालिटी रहे, और उसी से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आप वीडियोस बना रहे हैं, आपके 8-10 मिनट के वीडियोस को अगर कोई भाई देखता है तो उसको भी फायदा होना चाहिए, फायदा ऐसा होना चाहिए कि उस वीडियो के द्वारा कोई ना कोई जानकारी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वीडियो बना दिया, लोगों को बोल रहे हैं कि आप वीडियोस को देखें और वो ज़बरदस्ती एक दो वीडियो को देख रहे हैं फिर वो छोड़ रहे हैं, तो ऐसे में आपको भी नुकसान है। तो दोस्तों मेन बात क्या होती है कि एक टॉपिक को ढूंढना। दोस्तों YouTube चैनल पर वीडियोस लाने के लिए काफ़ी सारे टॉपिक होते हैं, काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं,
तो काफी रेगुलर सर्चिंग के टॉपिक होते हैं, काफी टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं जो कि कभी भी हमारे काफी सब्सक्राइबर भाई देख लेते हैं। जैसे अभी सर्दी का समय है तो काफी सर्चेबल टॉपिक ऐसे होते हैं कि सर्दियों में अपने बर्ड को कैसे बचाएं, सर्दियों में अपने बर्ड को खाने में क्या दें, सर्दियों में बर्ड के बच्चे क्यों मरते हैं, सर्दियों में बर्ड्स की अच्छी ब्रीडिंग कैसे करवाएं। सर्चेबल टॉपिक काफी भाइयों के द्वारा रेगुलर हर रोज सर्च किए जाते हैं। सवाल हमें कमेंट बॉक्स में भी देखने को मिलते हैं, ज्यादा जो कमेंट बॉक्स में सवाल देखने को मिलता है यानी वो सर्चेबल टॉपिक है। तो इस तरह से होता है, पहले तो टॉपिक ढूंढना पड़ता है कि भाई कौन से टॉपिक की हमारे सब्सक्राइबर भाइयों को जरूरत है, और टॉपिक सर्च होने के बाद में हमारा मेन ध्यान ये रहता है कि भाई जो बातें हम बताने वाले हैं ठीक है वो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए या ऐसी बातें होनी चाहिए कि जिससे हमारे दूसरे भाइयों का फायदा हो ठीक है। उसी के साथ ही दोस्तों फिर हमारी कोशिश रहती है कि एक अच्छा माइक लगाकर एक अच्छे मोबाइल से या कैमरे से हम वीडियो को शूट करें ताकि वीडियो की क्वालिटी आप सभी को काफी अच्छी देखने को मिले। अभी तक दोस्तों काम खत्म नहीं होता है, काम अभी तक बाकी है, वीडियो शूट होता है ठीक है। वीडियो शूट होने के बाद में वीडियो को एडिटिंग किया जाता है। एडिटिंग दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं मोबाइल फोन से ही एडिटिंग किया करता हूं और एडिटिंग का काम भी मैं करता हूं ठीक है। जो मेरा फ्री का समय होता है उस समय मैं एडिटिंग करता हूँ। काफी बार ऐसा होता है कि मैं काफी ज्यादा व्यस्त होता हूँ, जैसे पिछले 4-5 दिनों से आपको YouTube चैनल पर वीडियो देखने को नहीं मिले तो मैं काफी ज्यादा व्यस्त था अपने घर के प्रोग्राम में। तो दोस्तों मैं काफी बार तो रात को लेट तक जरूरी होने के कारण वीडियोस को एडिटिंग करता रहता हूँ। एडिटिंग करने के लिए मैं मोबाइल फोन में VN एप्लीकेशन का इस्तेमाल करता हूँ जो कि मैं आप सभी को बता देता हूँ। हमारे काफी नए यूट्यूबर भाई है जो कि ये चीजें जानना चाहते हैं, तो दोस्तों ये मेरा न्यू मोबाइल फोन है जो कि आप देख रहे हैं। दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है ये है VN एप्लीकेशन, पिक्सल लैब एप्लीकेशन, और इसी के साथ ही दोस्तों यूट्यूब चैनल चलाने के लिए YT स्टूडियो, काइन मास्टर, ऐसे काफी सारे एप्लीकेशंस का इस्तेमाल मैं समय समय पर करता रहता हूँ। तो उसी के साथ ही दोस्तों फिर वीडियो को एडिटिंग किया जाता है कि कहाँ पर कौन सा पार्ट गलत है या कहाँ पर मैं रेगुलर बोल रहा हूँ, कहाँ पर मैंने दोबारा बात को रिपीट किया है, काफी बार सही तरह से नहीं बोल पाते हैं कोई वर्ड को या कोई सही तरह से किसी बात को नहीं समझा पाते हैं तो दोबारा उसको समझाने की कोशिश करते हैं। जो गलत है उसको कटिंग करना पड़ता है, जो सही वीडियो लेयर है उसको जोड़ना पड़ता है। इसी के साथ ही वीडियो एक्सपर्ट होने के बाद वीडियो की क्वालिटी, जैसे मेरी काफी जैसे अच्छी क्वालिटी रहती है तो इसके लिए मुझे काफी ज्यादा फास्ट इंटरनेट की जरूरत होती है, तो मैं वाईफाई कनेक्ट करके और वीडियोस को अपलोड करता हूँ। फिर बनती है वीडियो की थंबनेल जो कि मैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन के द्वारा बनाता हूँ। थंबनेल में वही चीजें लिखता हूँ जो कि मैं वीडियोस में बता रहा हूँ। थंबनेल ऐसी होनी चाहिए जिसमें सिंपल सटीक भाषा का इस्तेमाल कर हम अपने सभी सब्सक्राइबर को, व्यूअर्स को ये बता सकें कि भाई वीडियोस में क्या मटेरियल है, क्या कुछ बातें हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस तरह की थंबनेल होती है। उसके बाद दोस्तों वीडियो जब अपलोड होता है, और अभी भी काम दोस्तों खत्म नहीं होता है, जब वीडियो अपलोड होता है, वीडियो अपलोड होने के बाद से एक अच्छा टाइटल, एक अच्छा डिस्क्रिप्शन ठीक है, और अच्छे टैग लगाने पड़ते हैं, उसके बाद से जो है वो वीडियो होता है पब्लिश। वीडियो पब्लिश होने के बाद भी काफी बार काफी जरूरी वीडियो होने के कारण मैं उसकी कॉपी जो है वो लिंक करके उसको कम्युनिटी में भी लगा देता हूँ ताकि आप सभी के बीच में डबल बार जो है वो नोटिफिकेशन आए और आप उस वीडियो को देख सकें। वीडियो को काफी सारे भाई देखे हैं, और उसके बाद आगे का जो काम रहता है वो आप सभी का। आप सभी हमेशा की तरह मेरे हर एक वीडियो पर काफी ज्यादा प्यार दिखाते हैं, सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो इसी तरीके से आपके मोहित भाई जो है वो काम करते हैं आप सभी के बीच में। इसी दौरान दोस्तों काफी बार तो मैं इसी के साथ ही दोस्तों काफी बार तो जैसे मैं फ्री रहता हूँ बाकी सभी कामों से, तो मैं लगा रहता हूँ बस इसी कामों में कि वीडियो एडिटिंग करना है, वीडियो शूट करना है, वीडियो बनाना है, जो भी है। और मैं आपको बता दूंगी, मैं पिछले लगभग 4-5 सालों से ये काम कर रहा हूँ यूट्यूब का। तो दोस्तों अब एक आदत सी हो चुकी है कि एक दिन भी अगर वीडियो ना बनाए तो ऐसे दिमाग में जो है वो बातें अपने आप आ जाती है कि भाई वीडियो क्यों नहीं बन रहा है या अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप सभी का प्यार भी काफी ज्यादा मिला है, हमें भी आदत हो चुकी है इन कामों की। और दोस्तों इसी के साथ ही एक बात ये है कि कभी भी मैं फ्री नहीं रहता, मैं कुछ ना कुछ काम करता रहता हूँ ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूट्यूब चैनल चलाना और वो भी दो छोटी बात नहीं है दोस्तों, काफी मेहनत लगती है।
मेहनत सफल हो जाती है जब आप सभी इतना ज्यादा प्यार दिखाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ही काफी भाई सोचते हैं कि मोहित भाई यूट्यूब से कितनी अर्निंग होती है, तो यूट्यूब से उतनी अर्निंग हो जाती है जितने में मैं अपना बर्ड सेटअप अच्छे से चला सकूं। जी हाँ दोस्तों, मैं जितने भी तरह के बर्ड रख रहा हूँ इन पे रोजाना का खर्च रहता है, इनके दाने का, इनके सॉफ्ट फूड का, इनकी दवाओं का, तो उन सभी के जो खर्च है वो मेरे यूट्यूब के दो चैनलों के द्वारा निकल जाता है और मेरे जेब से कोई भी तरह का खर्च नहीं होता। तो बस आप सभी का प्यार मिलता है और मैं इसी तरीके से काम आगे भी करता रहूंगा। धन्यवाद।